नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्मैश्ड पोटैटो। ये रेसिपी बेसिकली ओवन में बनाई जाती है एंड ओवन में जो पोटैटोज है उसकी क्रिस्पीनेस एक अलग लेवल पे होती है। यहाँ मैंने इसको फ्राई मीडियम से बनाया है। रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg बेबी पोटैटोस लिए हैं और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और इसे हम बॉईल करेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे एंड इसको 2 विसल आने तक कुक करेंगे। यहाँ 2 विसल लग चुकी हैं। अब हम गैस को स्लो करेंगे एंड इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। प्रेशर को नेचुरली हम निकलने देंगे। यहाँ पूरा प्रेशर निकल चुका है और हमारा जो आलू है वो अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर देंगे। हमारे ये जो बेबी पोटैटोस है इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अभी पोटैटोस गर्म है, आपके हाथ जल जाएंगे एंड वो स्मैश भी नहीं होंगे अच्छे से। अब आप एक कटोरी या ग्लास की हेल्प से इस तरीके से पोटैटो को स्मैश करिएगा। इसे आराम आराम से स्मैश करिएगा एंड बहुत ज़्यादा स्मैश भी मत करिएगा। अब पाइपिंग हॉट ऑयल में हम इनको ड्रॉप करेंगे। अब आप चाहो तो पोटैटोस को फ्राई भी कर सकते हो या आप तवा लेके उसमें थोड़ा सा तेल लगा के सेक भी सकते हो। चॉइस इज योर्स। और धीरे धीरे पोटैटोस को जो है हम टर्न करेंगे। एकदम से टर्न मत करिएगा, नहीं तो जो आलू हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप तवे पे कंफर्टेबल हैं तो आप तवे पे करो। ये जो हमारे पोटैटोस हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक पेपर टॉवल पे निकाल देंगे सो दैट सारा जो ऑयल है वो सोक हो जाए। अगर आप चाहो तो इसी में चाट मसाला डालकर खा सकते हो, लेकिन मैंने इसको बटर में अभी और सॉटे किया था। या मैंने बटर लिया है, बटर के बाद मैंने इसमें गार्लिक डाला है। इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे गार्लिक को लो फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक और ये जो फ्राइड पोटैटोस हैं उसको मैं सॉटे कर दूंगी टू गेट एन एक्स्ट्रा फ्लेवर। इस प्रोसेस को आराम से करिएगा, नहीं तो आपके जो पोटैटोस हैं उसके टूटने के चांसेस हैं। ये जो आपके स्मैश्ड पोटैटोस हैं बन के रेडी हो चुके हैं। रेसिपी अच्छे लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।